मणिकर्णिका विवाद पर पहली बार खुलकर बोली कंगना रनौत। उन्होंने कहा, फेमस होने के लिए किया जा रहा है इस मूवी पर विवाद। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त भूषण, और आइए शुरुआत करते हैं इस न्यूज की। हम आपको बता दें कि मणिकर्णिका कंगना रनौत की होम प्रोडक्शन फिल्म है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है। कंगना रनौत ने गुरुवार को अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका पर हो रहे विवाद पर कहा कि फिल्म में ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसपे कॉन्ट्रोवर्शियल खड़ी की जाए, पर लोगों को फेमस होने के लिए इस पर विवाद किया जा रहा है। कंगना रनौत की फिल्म की शूटिंग फिलहाल जोधपुर में चल रही है। वहां उन्होंने कहा कि मणिकर्णिका में कुछ भी विवादास्पद नहीं है, ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है जिससे देश या देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से अकेले लड़ने वाली महिला के लिए ऐसा विवाद करने वाले लोगों की सोच ही मुझे बुरी लगती है। कंगना रनौत की शूटिंग के लिए बीकानेर गई थी। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये बात बता दें फिर से कि कंगना रनौत कुछ दिन पहले बीकानेर शूटिंग कर रही थी। जब वो एयरपोर्ट पे उतरी, तभी वहां के कुछ लोकल लोगों ने उनका घिराव किया और वहां पर उनके सामने प्रदर्शन किया। फिल्म में अपने रोल के बारे में पहली बार इस हादसे के बाद बोली कंगना रनौत। कंगना रनौत ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई भारत की बेटी थी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस फिल्म के बाद लोगों में एक गर्व की भावना उत्पन्न होगी। यह फिल्म किसी के हितों को और भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाएगी, बल्कि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते उन तक उनके जीवन रेखा पहुंचाएगी और लोगों को गर्व से भर देगी कि हमारे देश की महिलाओं ने अंग्रेजों से भी लोहा लिया था। आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी कमेंट कर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, और जी हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम देते हैं हर न्यूज़ सबसे पहले।